यूपी में जहां बीजेपी राम राज्य का दावा करती आई है, वहीं यूपी में बीजेपी के सहयोगी भी अफसरों की मनमानी से परेशान है। वहीं यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह जारी है। पहले बीजेपी के अपने और अब बीजेपी उनके सहयोगी दलों के नेता लगातार सीएम योगी से अफसरों की मनमानी की शिकायत कर रहे हैं। गुरुवार को संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम से अधिकारियों की शिकायत की। संजय निषाद ने कल यानी बुधवार को ही कहा था कि अफसर नहीं सुनते, सीएम योगी से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। संजय निषाद ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अफसरों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अफसरों की ना सुनने का असर चुनाव पर पड़ता है। संजय निषाद बेटे की सुरक्षा हटाए जाने से भी नाराज थे। अफसरों के कामकाज पर अपने बयानों में संजय निषाद लगातार हमलावर थे। उनके बेटे और बीजेपी विधायक सरवन निषाद ने सुरक्षा को लेकर सीएम को पत्र लिखा था। सरवन निषाद ने सुरक्षा वापस लेने और जान खतरे में होने का आरोप लगाया था। उन्होंने यूपी पुलिस प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। सरवन ने कहा था कि मेरी जान को खतरा, फिर भी मेरी सुरक्षा हटाई गई। प्रशासन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। राजनीति में केस दर्ज होते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वह अपराधी है। चौरी चौरा पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया है वह सरासर गलत है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय में घुसकर एक सम्मानित व्यक्ति को अपराधी कहना ये कहीं से भी सही नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश जाता है और कार्यकर्ताओं में निराशा होती है। एक साल पहले मुझे जेल से जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद मुझे सुरक्षा प्रदान की गई थी। उस सुरक्षा को जिला प्रशासन ने तरीके से हटा लिया है। राजनीति में हम लोग अपने समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। इसके पहले 7 बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह भी आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। स्थानीय पुलिस वाले अपराधियों के साथ मिलकर उन्हें जान से मारना चाहते हैं। वह लोग 1 करोड़ रुपए चंदा भी इसके लिए इकट्ठा कर चुके हैं। मैंने ये सारी बात मुख्यमंत्री योगी जी को बता दी है। 10-12 दिन हो गए जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने फिर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखकर बता चुका हूँ। मेरे साथ कभी कोई हादसा हो सकता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है? क्या सच में अफसर नेताओं और मंत्रियों को नहीं सुनते हैं? अगर नहीं सुनते हैं तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर प्रशासन जनप्रतिनिधियों और जनता की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी?